अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ मौजूद हैं सर मुश्ताक अहमद, रीजनल डायरेक्टर FPAP। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सर आप इस इवेंट के बारे में सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? इवेंट जैसे कि आपने देखा कि ये हमारे एक प्रोजेक्ट है गेट अप स्पीक आउट के हवाले से था, जिसमें यूथ को एम्पावर करना था कि वो, यानी कि हम उर्दू में इसको कह सकते हैं कि उठो बोलो अपने हकूक के लिए, जो उनके बुनियादी हकूक है। जैसे कि मैंने अपने स्पीच में कहा कि ये जो है हमारे जो यूथ इस वक्त, जो पाकिस्तान की 64% आबादी जो है वो यूथ पे मुनसर है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे बलूचिस्तान में जो है यूथ के लिए अभी तक कोई पॉलिसी नहीं है। तो हम उनको अवेयरनेस दे रहे थे, हम उनको ये चाह रहे थे कि वो उठे अपने हकूक के लिए। हकूक मतलब ये, उनको सियासी हकूक मिलने चाहिए, उनको समाजी हकूक मिलने चाहिए, उनको उनके माशी हकूक मिलने चाहिए, ताकि वो खुद अपना फैसला कर सके। आजकल जिस तरह की एक अफरा तफरी फैली हुई है, आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने अपने स्पीच में भी काफ़ी डिटेल से इस पर बात की कि लोग जो है मुख्तलिफ तरह के जो है वो मसलों में उलझे हुए, स्पेशली यूथ, जो आप देख रहे हैं कि इस वक्त उनके साथ सियासी मसाइल भी है, मुआशी मसाइल भी बहुत ज़्यादा है, रोज़गार नहीं है उनके साथ, सियासी मसाइल है कि वो ख़ुद कोई अपना फ़ैसला नहीं कर पाते कि उन्होंने क्या करना है फ्यूचर। तो इस एक्टिविटी का बेसिक मकसद यही था कि उनमें जो है अवेयरनेस जगाई जाए, ताकि वो अपने हकूक के लिए बात कर सकें। से आपने बात की कि सियासत में यूथ को इन्वॉल्व किया जाए, तो हम अर्बन एरिया में रह रहे हैं और हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि हम वो यूथ जो बाकी रूरल एरिया में रह रही है उन तक एक्सेस करना और उनको इस चीज़ का एहसास दिलाना कि उनका सियासत में होना और उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह हम लोग किस तरह से, वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हम लेंगे कि उनको हम अवेयर कर सकें कि उनका एक लेजिस्लेटिव बॉडी में उनकी इन्वॉल्वमेंट, पॉलिसी मेकिंग में उनकी इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर सिर्फ हम अर्बन एरिया से करें तो देट वॉन्ट बी इनफ, वो काफ़ी नहीं होगी कि सिर्फ अर्बन के कुछ लिमिटेड जो है वो यूथ उठकर आ जाए। इतने अच्छे से हम उनके मसले मसाइल नहीं समझ सकेंगे, उनकी वो चीज़ें नहीं समझ सकेंगे जो मसले मसाइल वो फेस कर रहे हैं। देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि अभी तक हमारे बलूचिस्तान में यूथ के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनी। जब पॉलिसी बनेगी तो हम उन एरियाज तक जाएंगे और उन लोगों तक पहुंचेंगे। हम इसीलिए हर फोरम में यही डिस्कस करते हैं, यही जो है अपील करते हैं गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से कि यूथ पॉलिसी जो जहां पे भी जिस स्टेज में उसे फौरन जो है आप ड्रा कर दें और जो है यूथ के साथ शेयर कर लें, ताकि उनको अपने हकूक का पता हो। दूसरी बात ये, देखें हम बहसीत एक NGO के हम सिर्फ मॉडल ही पेश कर सकते हैं, हम गवर्नमेंट को मॉडल्स ही दे सकते हैं जिन मॉडल्स को वो लेकर आगे ले चले। जैसे मैंने अभी यहाँ पे जितने भी यूथ बैठे थे उन सब से मैंने अपील की, क्योंकि यहाँ पर ये सारे जितने यूथ बैठे थे इनका ताल्लुक सिर्फ क्वेटा से नहीं था। मैं बार बार ये कह रहा था कि सिर्फ जो क्वेटा है वो पूरा बलूचिस्तान नहीं है, ये जो यूथ यहाँ पे बैठी है वो पूरे बलूचिस्तान की यूथ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि टोटल 5% ही बलूचिस्तान के यहाँ पे यूथ मौजूद होंगे। मैं उनसे भी अपील कर रहा था, यहाँ पे मीडिया के लोग भी थे, यहाँ पे सिविल सोसाइटी के लोग थे, यहाँ पे गवर्नमेंट के लोग थे, यहाँ पे जो है पॉलिटिशियंस थे। मैंने सबसे रिक्वेस्ट की कि इस फोरम के थ्रू आप लोग जाएँ, उन्हीं यूथ तक रसाई हासिल कर लें जो कि बेयार मददगार पड़े हुए हैं, उनको ना अपने किसी चीज़ का परवाह है और इंतहाई वो डिप्रेशन और मायूसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो कि बाद में जाकर किसी मनफी रुझान की तरफ जा रहे हैं, नफ़रत की तरफ जा रहे हैं और कौम परस्ती, लिसानियत, मजहबियत, गुरबियत और इस तरह के जो है वो हिस्सों में बट रहे हैं। तो इसलिए मैं ये उनसे इसी फोरम में यही रिक्वेस्ट कर रहा था और इस चैनल के थ्रू भी यही रिक्वेस्ट करूँगा इन तमाम से कि आप लोग जाएँ, उन लोगों तक रसाई करें जो हर तरह के सहूलतों से महरूम है, ना उनके साथ स्कूल है, ना उनके साथ रोड है, ना उनके साथ मतलब कोई भी उनके साथ ऐसी सहूलत नहीं है। और रिजल्ट यही है कि 2020 में भी वो जो है एक मायूसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और ये थे मुश्ताक अहमद, रीजनल डायरेक्टर FPAP। मुझे इजाज़त दें, कैमरामैन अमीन बरेज के साथ सना रहमान, AB News क्वेटा।